नमस्कार फ्रेंड, आज बात करने वाले टायर से रिलेटेड, टायर को किस तरह मेंटेन रखा जाए, उसके कुछ हमारे पास टिप्स हैं आपको, चलिए बताते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 30 से 35,000 चलाने के बाद टायर को रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है गाइस, होता ये है फ्रेंड कि ये जो टायर्स होते हैं वो 1,00,000 किलोमीटर तक चलते हैं। कैसे चलते हैं इसका ख्याल रखना पड़ता है। आपका जो एयर प्रेशर है, आप हर वीक में एयर प्रेशर आप चेक करा करिए। गाड़ी चले या ना चले, इसका एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता रहता है या ठंडी का समय। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हर एक वीक में आप एयर प्रेशर इसमें चेक कराते रहें, और इसमें एयर प्रेशर होना कितना चाहिए, 30 या 35 से एयर प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा एयर प्रेशर चेक कराएं, आपका टायर जो है 2-3 गुना और भी 2-3 गुना चलेगा। और गाइस, होता क्या है कि जब भी आप गाड़ी कहीं से दूर से चला के आते हैं या कहीं बहुत लॉन्ग ड्राइव से आते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी को ऐसे ही खड़ा करके चले जाते हैं और गाड़ी को टायर का ख्याल नहीं रखते हैं। और होता क्या है गाइस, इसमें अगर आपका टायर जो होता है तो आपको उसको हर वीक चेक करते रहिए कि कहीं नुकीला पत्थर या नुकीली काटी और कहीं से टायर डैमेज तो नहीं हो रहे। तो उससे ये होगा गाइस कि आपके माइंड में ये तो मेकअप रहेगा कि हाँ टायर कौन सा गड़बड़ हो रहा है, किसको रिप्लेसमेंट कराना है, उससे भी टायर आपके और भी मेंटेन रहेंगे। एक टायर की वजह से बहुत सारे टायर गड़बड़ हो सकते हैं, तो इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी। बात करें अगर ये टायर जो आपको हर एक 15,000 या 10,000 किलोमीटर पे या 15,000 या 10,000 किलोमीटर पे आपको करना पड़ता है, यानी चेंज करना पड़ता है, तो उसको कैसे चेंज करना है एक्स फॉर्म में। होता क्या फ्रेंड कि ये जो टायर है आपको राइट में लगाना है, पीछे का जो लेफ्ट का टायर है वो राइट में लगाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप टायर चेंज कर सकते हैं। उससे होता क्या है फ्रेंड, उसके टायर्स होते हैं वो दोनों तरफ से बराबर दिखते हैं और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, 2-4 गुना और ज़्यादा चलते हैं। चलिए फ्रेंड, और कुछ ट्रिक की चलिए गाइस, और एक ट्रिक की बात करते हैं। होता क्या है फ्रेंड, जब आपके गाड़ी का रिलेटिव स्पीड से होता है, तो अगर आपकी गाड़ी का स्पीड 80 से ऊपर है तो आपके टायर जो है कम चलेंगे। अगर आप गाड़ी को 50 या 60 या 80 की स्पीड में रख रहे हैं तो आपके जो टायर का जो उम्र है वो बढ़ जाएगा और बहुत जल्दी टायर ख़त्म नहीं होंगे, इसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है गाइस। और चलिए फ्रेंड, वो स्टीयरिंग से रिलेटिव है और ड्राइविंग से रिलेटिव है। होता है क्या फ्रेंड कि अगर गाड़ी आप जैसे चला रहे हैं, तो आप गाड़ी चलाते चलाते आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका गाड़ी का बैलेंसिंग कैसे गड़बड़ हुआ। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आप स्टीयरिंग छोड़ दिए, तो जिस तरफ भागेगी उस तरफ का बैलेंसिंग गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ होने का कारण ये है कि आपका उस तरफ का टायर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक वो है कि अगर टायर को मेंटेन रखना है तो आपकी चारों या व्हील्स को मेंटेन रखना है और आपको अलाइनमेंट करा के रखना है, तो इससे भी आपके टायर जो है 2-4 गुना अधिक चलेंगे और टायर की लाइफ बढ़ जाएगी गाइस। और ये आपके ड्राइविंग पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि आप गाड़ी को किस तरह चलाते हैं, उससे भी कुछ गलतियाँ होती हैं गाड़ी ड्राइव करते समय, तब भी टायर जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। होता है क्या फ्रेंड, बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी ऐसे रोड पे ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड्ढे गुड्ढे होते हैं, तो वहाँ पे टायर को बहुत ही जल्दी नुकसान पहुँचता है और ख़राब होने का चांस रहता है। तो ऐसी जगह ना ले जाएं गाइस जहाँ पे टायर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएं, या और कभी भी गाड़ी चलाएं तो उसकी स्पीड जो है कंट्रोल में रखें, तो उससे ये इंक्रीज होगा कि फ्रेंड आपके टायर जो है काफ़ी मेंटेन हो जाएंगे और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेंगे। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।